मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड का क्लास टेंथ का संस्कृत सब्जेक्ट का 2019 का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। मैंने इस चैनल पर 2021 का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर को दिखाने का पर्पज़ यह है कि आपको एग्ज़ाम से पहले पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने चाहिए। इससे आपको अपनी तैयारी का भी पता चलता है और साथ ही साथ आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी, ख़ास तौर पर एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों की। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लास टेंथ का सेट ए है, संस्कृत का 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सोल्व करें तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ये पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चनों पेपरों के जितने भी एप्लीकेशन उन सबको सोल्व करें, इन्हीं में से ही आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई एप्लीकेशन आ जाएगी। और ख़ास तौर पर एक नंबर वाले क्वेश्चनों की तैयारी करें, क्योंकि ये लिमिटेड होते हैं और यही घूम फिर कर दोबारा एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ये था आपका सेट ए। अब मैं आपको सेट बी दिखाता हूँ। अब आपका सेट सी। कम से कम आपको 2 क्वेश्चन पेपर तो जरूर इसके सोल्व करने चाहिए। अगर आप 2 क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेते हैं तो आप देखोगे एग्जाम में इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि लिमिटेड ही क्वेश्चन होते हैं इम्पोर्टेंट और वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर आप पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते हैं तो ये मान कर चलिए लगभग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं इससे। ये था सेट सी। अब सेट डी। ये था आपका क्लास टेंथ का संस्कृत सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। इन क्वेश्चनों पेपरों को ज़रूर सोल्व करें, आपकी तैयारी अच्छी होगी।